तो हेलो दोस्तों, आज का दिन पाँचवा दिन है और हम निकल चुके हैं घर से। ये भी कुछ 8:30 बज रहे हैं, सब 8 हो गए होंगे। यहाँ से निकल गए हम नहीं सा ये कौन सा कालूपुर रेलवे स्टेशन, कालूपुर मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बगल में। यहाँ अहमदाबाद की मेट्रो दिखाएंगे आज आपको कैसी होती है। ये तो अहमदाबाद उससे काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो, क्या सर पहले टिकट लेते हैं। मैं टिकट ले लूँगा, तुम पहले पूछना भी तो है कैसे कैसे जाएंगे वो, क्या क्या है साबरमती रेलवे स्टेशन जो खोलने के आगे। मुझे लगा इनको एंट्री मिल पाएगी, तो अभी ये टोकन है अजीब सा, ये इसको पहले लगाएंगे। लगा दिया 15 रुपये, मशीन काफ़ी एडवांस लग रही है हमारे गली वाले मशीन बहुत ज़्यादा एडवांस लग रही है। अब हमें प्लेटफॉर्म देखना कौन सा वाला वॉइस प्लेटफॉर्म, अरे कौन सा वाला प्लेटफॉर्म, किधर के लिए जाना है, जाना तो नीचे ही पड़ेगा लेकिन चल ठीक है, दोनों नीचे ही है। टोकन देख लो कैसा है, कुछ लिखा हुआ इस पे GN, अरे यार ये गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन GMRC लिमिटेड, ये एस्केलेटर है भाई। ये ऐसा दिखता है कुछ अंदर से, काफ़ी सही लगता है मेट्रो। अच्छा पीछे वाले की तरफ आ रही है, इधर वाले पर देखो G20 समिट का दिखा रहा है अंदर से। तीसरी गैलरी है पूरी, मतलब कोई इधर देख ही नहीं सकता, मतलब देख तो सकता है सॉरी मैं भी दिख रहा हूँ। ओहो मैं दिख गया सामने, इतना तो एडिट करना पड़ेगा चेहरा, ठीक है चेहरा भी नहीं आया, आ गया हो तो क्या हो गया, एडिट कर लेंगे तो देख लो तू पे क्या बनाएंगे, मेरे ऐसी बात नहीं है। चेहरा तो काफ़ी बार आ चुका होगा सर, लेकिन वो तो दिखा दिया है, बस कहीं दिखाया मैं दिखा दूँ कोई टेंसन नहीं है, मुझे दिखा दो ना फिर सारे का। टोकन रखना अपराध है, टोकन मेरे तक एक 5 रुपये खरीद लेंगे, टोकन ले चलेंगे घर पर, ठीक है। कहीं से भी होगा भाई, ये पहला मेट्रो स्टेशन देखा है मैंने दिल्ली में, तो कहीं भी है दिखा नहीं मुझे, लेकिन यहाँ पे भाई मेट्रो से निकलते शौचालय दिख गया, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मेट्रो में दिल्ली मेट्रो में नहीं है भाई, वो भाई एक वो गाड़ी खड़ी है मेरी जो है वो आ गए, अरे भाई कितनी छोटी छोटी हैं, हाँ रह गया चढ़ गया तू, चढ़ गया उस पर एस्केलेटर पे बैठ से जा रहा हूँ, मोटेरा तक जा रहा है, मोटेरा से एक स्टॉप पहले टूवर्ड्स मोटेरा प्लेटफॉर्म नंबर 3 मोटेरा से स्टॉप पहले गया। काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर से, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है वो भाई कहाँ रहे गया खड़े हुए क्या इंटरचेंज और खलते ही हम यहाँ हैं, यहाँ से जाना है भाई। आज एक और धोखा हो गया हमारे साथ, ट्रेन जिस स्टॉप पर उतरना था साबरमती रेलवे स्टेशन उस पर उतारने की जगह आगे वाले पे ले आया, ये इसी बता दिया अब यहाँ से पैदल, यहाँ से पैदल जाओ यार। वाकते वाकते आ गए इस पर, रुक मत भाग ले, हो गए नहीं पूछना पड़ेगा ये भाई गांधी जी पटेल जयंती का सर, 4 नंबर पे आएगी ये जा रही है, ये कौन सी है, 1-2 पे तो जल्दी चल, भागते भागते पकड़ ली एकदम क्लोज कॉल। ये तो धोखाबाजी है,
निकल ले बस, अभी रुक मत यहाँ पे, फोन पे कर लूँ। तो भाई पहुंच गए हैं महसाणा जंक्शन, ये इधर दिख रहा होगा इसे, ये इधर भी दिख रहा होगा इसे, पीछे प्लेटफॉर्म है कोई नहीं। तो भाई लोग उस ट्रेन से उतरे, यहाँ पहुंच गए पाटन, और अभी भी लोग उतर रहे हैं, ऊपर झंडा दिख रहा होगा। और इधर से हम पीछे से जाएंगे क्योंकि इधर से पीछे से रास्ता सही पड़ेगा। भाई लोग पहुंच गए हम गिरागर, चलो चलो टैक्सी भी लो। ये भी गई कर दी नहीं दी। ओए छत के ऊपर छत, हम आए घूमने के लिए पाटन में है, और यहाँ आए सहस्त्र तालाब, ये पता है कहाँ पड़ता है, रानी की वाव के बगल में। अभी रानी की वाव हम बाद में जाएंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो, उसके बाद बाद में जाएंगे, पहले यहाँ घूमने रहे मेरे साथ। एक तो ये रहा साइकिल चला रहा है जो हमारे साथ पूरे टाइम से था, और ये है एक और कज़न। ये होटल तो क्या बढ़िया रहा, ये हमारे गुजराती ट्रांसलेटर है, हम दोनों परेशान होते, कोई गुजराती नहीं साथ में, गुजराती ट्रांसलेटर है, ये पढ़ के पता क्या लिखा यार। होटल तोरण पाटन है। अच्छा तो यहाँ घूम रहे हैं, ये आग सी लगा रखी है, ये साइकिल का मजे ले रहा है। आगे वाली जगह थी वो ये है वी मेघ माया क्या पता नहीं, यहाँ लिखा है वेलकम टू शस्त्रलिंग तालाब यानी है। और ये ऐसा लग रहा है देखने में तो एक नॉर्मल से गार्डन जैसे होता है, थोड़ा सा उसको अच्छा से मेंटेन करके रखते हैं वैसा लग रहा है, क्योंकि मेंटेन हो भी रहा है वो, बकायदा यहाँ पे गार्डनिंग हो रही है, पेंटिंग कर रहे हैं,
वहाँ पे ट्रेसिंग कर रहे हैं, जो ग्रास है एक्स्ट्रा उसकी थ्रेसिंग कर रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। बाकी देखते जो मेन तालाब है वो किधर पड़ेगा, सर लिंग टैंक पाटन टैंक तो सर टैंक ये है साइज एंड डिराइव्ड नेम पढ़ना पड़ेगा पूरा नहीं तुम चाहिए क्लिक करके। टू द ग्रेट जय सिंह सिद्ध राजा 1024 to 1144 AD ओके ओल्ड शिवा टेम्पल 40 meters इन डायमीटर क्या है अभी। अकबर स्ट्यूटर बैराम खान का है यार ये, उसका भी जिक्र किया हुआ है। और ये ऐसा दिखता कुछ नहीं, देख लो भाई मस्त लग रहा है यार, इसे देख के लग रहा है भाई पास के टाइम पे आ गया। ओ माय गॉड एकदम मस्त, तो ये जो ये टैंक टाइप ये इतना बड़ा, इसमें पानी भर रहता था यहाँ से वहाँ तक शायद से, और क्या कहते हैं वहाँ से शायद ढलान सी है उधर से इधर साथ आगों साइड थी। और एक ये है यहाँ से शायद ये से तो पैर, हाँ ये तो नीचे जाने की सीढ़ी है जा सकते नीचे, जैसे नीचे तो वैसे ये भी काफ़ी सेफ जगह है पता है, इतनी खुदाई की गई, ये नॉर्मल ऐसी ज़मीन होगी, इतना खोद खोद के एक्सकेवेशन किया है यहाँ तक कि ज़मीन निकली है ये ज़मीन भाई तो काफ़ी दी है। अगर ऐसे एक छोटे मोटे प्लेयर मिल गए तब भी बड़ी बात होती है, काफ़ी ज़मीन निकले। वो दिख क्या है वो लास्ट में, ये गोल वाला, ये यहाँ से देखने में तो कुछ तो डिफरेंट लग रहा है। अभी हम नीचे जाएंगे अगर जा पाए तो तब देखेंगे जरूर। अभी देखो फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, चल रहा है फोटो वोटो खींचे थोड़े से सूरज में काली क्यों आई, काली आई। हाँ तो नीचे सोच रहे नीचे आना था, नीचे आ गए, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ये स्ट्रक्चर सुना गया फोर टाइप से बीच में बोला था, ये पता है पहले के टाइम का गेट था, ये गेट इसके नीचे से लोग निकलते थे चल के जाते थे। अभी काफ़ी नीचे है बेचारा गेट ये भाई, ये गैप भाई पहले के टाइम के है। पता है ये क्या होता था अतुल, ये पता है क्या चीज़ है, गेट टाइप होता था पहले टाइम में शायद, ये जैसे वो आते थे ना महल टाइप में आते थे बीच में रास्ता था पड़ता दरबार था वो सब है। नीचे से देखो भाई साहब मस्त है, चल गिर जाएगा मैं दब जाऊंगा नीचे क्या क्या सो नहीं क्या चौक से लेकर मतलब यहाँ से बाहर ये मकड़ी का जाला उड़ रहा है, दिख रहा है बीच में वो दिख रहा है मकड़ी का जाला टैंकर हिसाब से बनाए गए हैं बकायदा, तो बहुत बढ़िया तरीके से भी बनाया गया है। ये कुछ लिखा हुआ है इधर, क्या लिखा है ये लिखा है, डिजाइन है कुछ लिखा है, देख इधर ये देख के लिखने का तरीका, पहले के टाइम पे लोग ऐसे लिखते थे, ये सारी लिपि है ये बना बना के, ये हो गया हाथ से बना के उंगलियों से, और ये देख दूसरी जगह चलेंगे एक आधी फोटो ले लेते हैं, नहीं तो मेरे तो वीडियो बन गई तो फोटो ले लें। ये क्या है क्या बोल रहे हैं ये ओ भाई वहाँ से पानी आ गया था, यहाँ पे रानी आ गई भाई, वीडियो में जा रहे हैं यूट्यूब पे जा गए
यहाँ पे स्नान करा करते थे और राजा हमारे मुर्गी टाइप बैठा करते थे। भाई काफी देर लगा है। तीन स्तंभ क्या है? बंद है। इसमें क्या है? अबे इधर अदल इधर आगे क्या है? आगे जा रहे हैं। तेरा भी है? उस तीन कुर्सियों पे तीन फोटो खिंचा के हम आगे चल दिए। ये कुआ है? अरे बड़ा छोटा कुआ है, मतलब वहाँ से पानी आता था और यहाँ पे स्टोर होता था। और ये थोड़ा थोड़ा करके इधर आता था। यहाँ पे सारा पानी भाई काफी सही। ओहो माय गॉड। अच्छा उस तरफ से आता था? उस तरफ से आके इस साइड स्टोर होता था, फिर इधर से उधर। यहाँ पे तो यार अच्छा खासा क्रिकेट मैच हो सकता है। यहाँ मैच करवाएंगे किस दिन? यहाँ बैठेगी ऑडियंस, छोटे छोटे बच्चों को खिलाएंगे सिक्स और, क्योंकि लंबा लंबा तो मार नहीं पाएंगे। नहीं नहीं दंगल वाला तो चली जाएगा। दंगल? हाँ दंगल चल जाएगा, दंगल खेलेंगे। बीच में रिंग लगा देंगे और WWE आओ पर चल रहे हैं। निकल चुके हैं, ये घूम लिए, इतना घूमना था, अब चलते हैं रानी के बाग। तो दोस्तों हम आ चुके हैं रानी के बाग में। तो काफ़ी देर तक ऑनलाइन ट्रांसफर से ट्राई करते करते नहीं हुआ, तो कैसे जा पड़ा? ये लिखा है गुजराती में, गुजराती में अच्छा है। ये अपनी हमारी हिंदी लैंग्वेज और ये हमारी इंग्लिश, मतलब हमारी नहीं लेकिन हम लोग को यूनाइट करना है इंग्लिश। और ये भी कुछ लिखा है क्या? ये ब्रेल लिपि है, मतलब जो लोग नहीं अंधे लोग होते हैं उन लोग के लिए। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। अब अंदर चलेंगे, एक दो फोटो खींच लेते हैं। इनमें देखो ओए हाँ, ये तो भूल ही गए थे, ये तो दिखने लायक चीज है। यहाँ पे कट कर गया है। और भी कई सारी चीजें हैं, ये मूर्ति हो गई इधर है, ये अब तो भी निकला है यहाँ। वो चांद दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है चांद दिख रहा है। क्या दिख गया? यहाँ दिख गया, और इधर सूरज भी रखा है। यहाँ ये मूर्ति है, फोटो खींचा रहे हैं। ये कितनी बारीकी से बनाया गया है। ये लो, ये चीज है स्वागत ऑर्डर में। वहाँ पर देखेंगे।
बाहर आ गए बनाने की वहाँ से, काफ़ी सारी फ़ोटो खींच ली। ये लोग मेरी फोटो खींच नहीं पाते हैं, मैं तो खींचता हूँ ठीक ठाक से, ये खींचे ही पाते। और मेरी खींचती बहुत कम फोटो है, बहुत कम जाती है। बीच चल रहे हैं इसके आस पास, ये बहुत अच्छा। और जूते अंदर घास में घुस रहे हैं, देखो ये ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर पर सोफा पे चल रहे हैं। कॉफी कर रहा मेरी देखो यहाँ पे हम स्लाइड करेंगे, गोल 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 बाबा को बढ़ा के फिर भी चलेंगे। तो दोस्तों घूम गया, जितना घूमना था पूरा उधर ही है, रानी की बाव जो दिख रही है बाउंड्री और उससे उधर पीछे वो उतना ही बस, वो बाकी गार्डन है। और ये एग्जिट कर रहे हैं सारी मशीनें हैं, तो रखी साइकिल है हमारी एक पे तीन की सवारी। ट्रैफिक में घूम घाम के हम ये खाने हैं दबेली, दबेली मैं पहली बार खा रहा हूँ और मीठी रहती है नॉर्मली टेस्ट में। ये भी खा रहे हैं हम, तीनों खा रहे हैं। मैं भी कह लूँ मूँगफली के दाने, मूँगफली के दाने पड़े हैं और चटनी है लाल, यहाँ से बननी काफ़ी फेमस लग रही है देखने में तो दुकान, तीन तीन लोग बनाने वाले हैं तो चलो खाते हैं। दोस्तों दबेली खा ली है, पानी पी लिया और हाथ में बर्फ लेके जा रहा हूँ, दोनों पीछे आ रहे हैं। ये आ गए हाँ ठंडा इधर। ये मूर्ति है भीमराव अंबेडकर की है ना, अभी स्टार्ट किया वीडियो छोटा सा गला गा लग रहा है। अरे यार पहुँच गए जोड़ी।